क्यों आज इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, ऊबर और नेटफ्लिक्स जैसे स्टार्टअप होते ही नहीं दुनिया में, अगर इतने बड़े बड़े पावर प्लांट या इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर लगाने पड़ते लोगों को। तो क्या हुआ, सिंपल सी चीज हुई, क्लाउड आया। क्लाउड ने क्या किया कि जैसे आप सॉकेट में लगाकर बिजली यूज कर लेते हो, वैसे ही आप इंटरनेट पे जाकर डायरेक्ट कंप्यूटिंग रिसोर्सेस, क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं ना, कंप्यूटिंग का क्या मतलब होता है कि प्रोसेसिंग पावर आप यूज कर सकते हो। तो कंप्यूटिंग रिसोर्स आप क्लाउड में यूज करें। क्लाउड का मतलब क्या है कि यार मुझे सामने से दिख नहीं रहा है कि कहाँ है, कहीं पर एक बहुत बड़ा ऐसा ही विशाल डेटा सेंटर है। अमेज़न के डेटा सेंटर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत खर्च होता है, इतना सारा एसी लगता है, क्योंकि ये सारे सर्वर्स, जब मेरी पहली जॉब थी तो मैंने देखा था, मैं डेटा सेंटर में ही काम करता था, सारे सर्वर्स इतना हल्ला करते हैं और इतना हीट जनरेट करते हैं कि आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन सर्वर्स का, और इन सबको मैनेज करना एक बहुत बड़ा काम होता है। तो ये सब नहीं करना पड़ा नेटफ्लिक्स को, ऊबर को, ट्राइब को, रेजर पे को, यार फ्लिपकार्ट को, इन सबको नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग आया। तो आज हम लोग थोड़ा समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे काम करता है। तो हम लोग समझेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे काम करता है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो आप इसको क्लाउड बोलते हो, ये कोई असली क्लाउड नहीं है, ठीक है। ये कहीं पर एक बहुत सारे सर्वर्स रखे हुए हैं, ढेर सारे सर्वर्स रखे हुए हैं एक डेटा सेंटर में, ऐसे इंटू 500 सर्वर्स रखे हुए हैं। और जब आप सर्वर भी सोचते हो ना, तो मैं भी जब बच्चा था तो सर्वर सोचता था कि ऐसे बड़ा सा एक सर्वर होता है, बट बड़ा सा सर्वर नहीं होता है, वो सर्वर रैक होता है, उसके अंदर सर्वर इतने पतले पतले ही आते हैं जो बेसिकली विदाउट मॉनिटर के जस्ट CPUs होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपके ढेर सारे सर्वर ऐसे ये सर्वर रैक्स में रखे रहते हैं, और इनके नंबर ऑफ एरेज होते हैं, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, और इनको क्या किया जाता है, ये एक मान लीजिए आपका, इसको आप कहिए इंटरनेट है, तो इस इंटरनेट से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, और एक मोटी सी लाइन से कनेक्ट करते हैं, मोटी पाइप से कनेक्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जिसको भी जरूरत है, मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा ऑफिस है, इसमें 5 लोग काम करते हैं, लेट्स ड्रॉ 5 पीपल, 5 लोग काम करते हैं, और इनको चाहिए थोड़ी सी प्रोसेसिंग पावर, इनको चाहिए कि ये अपना फ्लिपकार्ट जैसा कोई वेबसाइट अप कर सके, तो ये इससे इंटरनेट से जुड़ते हैं और बोलते हैं कि यार हमें थोड़ा दे दो, हमें क्या चाहिए, हमें थोड़ी सी स्टोरेज चाहिए ताकि हम इमेजेस सेव कर सकें, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें थोड़ी सी प्रोसेसिंग पावर चाहिए। प्रोसेसिंग पावर क्यों चाहिए हमें, ताकि हम जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं उनको प्रोसेस कर सकें, हम बता सकें। और हमें क्या चाहिए, हमें डेटाबेस चाहिए, तो डेटाबेस भी ले सकते हैं। डेटाबेस क्यों चाहिए, हमने बात की थी मॉन्स्टैक वाली वीडियो में, मैं यहाँ लगा दूंगा कि डेटाबेस में ही तो डेटा सेव होता है पूरा का पूरा। और क्या चाहिए होगा, चलो थोड़ा सा CDN भी दे दो हमें, ताकि हमारा कंटेंट डिलीवरी इजी हो जाए। और क्या चाहिए हमें, ठीक लग रहा है, अच्छा हमें एक डेटा प्रोसेसिंग भी दे दो थोड़ा सा, उसके भी आजकल अलग पाइपलाइंस बन गए हैं। तो इस तरह से ये लोग मांगते हैं, कैसे मांगते हैं, जो आप जो भी यूज़ कर रहे हो, चाहे आप AWS यूज़ कर रहे हो, Azure यूज़ कर रहे हो, या GCP यानी कि Google Cloud Platform यूज़ कर रहे हो, इन तीन बड़े हैं, इन तीनों में जाकर आप उसको प्रोविजन करते हैं। प्रोविजन बहुत आप वर्ड सुनोगे क्लाउड में, बट प्रोविजन का मतलब यही होता है कि आप उसको बोलते हो कि यार ये हमें दे दो, हमें अलॉट कर दो, हमें इतना सारा चाहिए, ठीक है, ये भी चाहिए, और उसमें भी ऐसे पैकेट्स रहते हैं कि इतना स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, इस तरह के पैकेट्स बने रहते हैं यूसेज के हिसाब से, वो आप ले लेते हो। तो इस तरह से आपका जो क्लाइंट है या जो आपकी जो कंपनी है, वो क्लाउड को यूज कर पाती है, वो बोलती है मुझे ये पीसेस चाहिए। इनके अंदर स्टोरेज के भी अलग तरीके होते हैं, प्रोसेसिंग के भी अलग तरीके होते हैं। इस तरह से आप अपने पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि यार मुझे ये तो, अगर मुझे अपने पास चाहिए होता तो मुझे 10 हार्ड डिस्क खरीदने पड़ते हैं, 50 CPU खरीदने पड़ते हैं, डेटाबेस के लिए मुझे एक बड़ा मशीन खरीदना पड़ता है जिसमें डेटाबेस बढ़िया से चले, और CDN के लिए तो मुझे अलग अलग सर्वर दुनिया के हर कोने में लगाने पड़ते हैं, डेटा प्रोसेसिंग के लिए मुझे बड़े बड़े डेटा लेक्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे हार्ड डिस्क खरीदने पड़ते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क खरीदने पड़ते हैं, जैसे कुछ स्टोरेज के लिए तो आप SSD यूज कर लेते हो, कुछ के लिए आप और सस्ता हार्ड डिस्क रखते हो, इवन टेप ड्राइव्स भी रखते हो, तो बहुत कुछ करना पड़ता। मुझे ये सब खरीदना नहीं पड़ा, जैसे मुझे अपना घर नहीं बनाना पड़ा, मैंने रेंट पे घर ले लिया, किसी ने बना के उसको तैयार करा के, पाइपिंग करा के, उसकी इंटीरियर करा के, सब करा के मुझे दे दिया, और मैंने बस उस चीज का रेंट दिया। उस रेंट में ऑब्वियसली उसके बनाने का कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, और वो
ओवर टाइम वो पैसा बना रहा है, लेकिन वो बड़ी कंपनीज वो इन्वेस्टमेंट कर पा रही हैं, और छोटी कंपनी जो शुरू कर रही हैं उनको ये दिक्कत नहीं है। अगर ये एक्सप्लेनर वीडियोस तुम्हें पसंद आ रहे हैं, मजा आ रहा है इस तरह से पढ़ के, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम देखते हैं कि किस तरह के क्लाउड होते हैं। तो क्लाउड ना बहुत सिंपल है समझना, इसके ना क्लासिफिकेशन बहुत मुश्किल से लोग समझाते हैं, बट बहुत आसानी समझो कि पहले तो लेयर्स होते हैं किसी भी चीज के। तो हमने पिछली बारी बात की थी कि पहले होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है कि भैया हमने ये सर्वर खरीद लिया, इसमें प्रोसेसिंग है, इसमें रैम है, इसमें सीपीयू है ना। हार्डवेयर में क्या होता है, सीपीयू होता है, रैम होता है और स्टोरेज होता है, एसएसडी स्टोरेज कह लो उसको, तो होता है। अब मुझे ये चाहिए, मुझे एक कंप्यूटर में, जो मेरे पास एक कंप्यूटर है उसमें यही तीन चीजें मेन होती हैं। डिस्प्ले तो कहीं से भी आप अटैच कर सकते हो, कहीं से भी अटैच करके आप उसका डिस्प्ले देख सकते हो, डिस्प्ले इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो मुझे ये तीन चीजें चाहिए। इन तीन चीजों के ऊपर मुझे एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड मिल जाना चाहिए, ठीक है। मुझे, मैं चूज कर सकता हूं कि मुझे ऐसा सर्वर चाहिए और इस सर्वर पे मुझे उबुंटू चाहिए, इस सर्वर पे मुझे रेड हैट चाहिए, इस सर्वर पे मुझे विंडोज चाहिए, तो ये चाहिए। तो जब मुझे ये चाहिए होता है, मैं अपने फेवरेट क्लाउड प्रोवाइडर को, मेरे लिए अज्योर है क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया है, मुझे अज्योर पे ज्यादा हाथ बैठा हुआ है, तो अज्योर पे मैं बोलता हूं भैया देखो एक सर्वर बना दो, उसमें ऐसा करना 8 GB रैम डाल देना, 30 GB का हार्ड डिस्क डाल देना और इतना सीपीयू मुझे दे देना, ऐसा करके उसको बोलता हूं एक बना के दे दो। कितने पैसे लगेंगे, पैसे पूछ लेता हूं, बोलता हूं ठीक है इतने पैसे सही है, और उस पे उबुंटू लगा देना। तो मैंने क्या किया, ये हार्डवेयर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया। जब मैं ये लेता हूं, जब मैं ये लेयर प्रोविजन करता हूं, फिर से मैं वो वर्ड यूज करूंगा, तो उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ही कुछ भी बनेगा, एज अ सर्विस, यानी कि IaaS। यस, तो आप कई बार देखो कि क्लाउड कंप्यूटिंग बात करते हैं कि किस तरह का क्लाउड आप बना रहे हो, किस तरह का क्लाउड यूज कर रहे हो, तो कोई बोलता है IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्विस यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है मैंने ये ले लिया, अब इसके ऊपर मैं बहुत सारी चीजें करूंगा, इस सर्वर के ऊपर जैसे मैं अपना सर्वर सेटअप करता करूंगा तो सब कुछ मेरा चलेगा, नो प्रॉब्लम। एक लेयर और भी ऊपर जा सकते हैं इसके, एक लेयर और ऊपर क्या है कि मुझे पता है कि मेरा ऐप नोड जेएस में है, या मुझे पता है कि मेरा ऐप जावास्क्रिप्ट में है, जावा में है, किसी भी लैंग्वेज में है, तो मैं क्यों खुद से उसका नोड जेएस का रन टाइम इंस्टॉल करूं, वो सब कुछ मैनेज करूं, उस सर्वर को चलाऊं, उस सर्वर का को चलाने के लिए, एक नोड जेएस सर्वर को चलाने के लिए मुझे PM2 लगाना पड़ेगा, उसके बाद मुझे उसके ऊपर मॉनिटर्स लगाने पड़ेंगे ताकि वो सर्वर ब्रेक करेगा तो मुझे पता चल जाएगा, और उसके बाद अगर वो सर्वर ही पूरा का पूरा ब्रेक कर गया तो उसको रिस्टार्ट करना, बहुत सारे मेहनत, बहुत सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे नहीं मैनेज करना ये सब। मुझे क्या करना है, मुझे कोड लिखना है, मुझे वो चला के देखना है। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, मैं बोलूंगा कि भैया ऐसा करो, इसके ऊपर एक रन टाइम भी दे दो मुझे। रन टाइम क्या होता है, नोड जेएस इज अ रन टाइम, जावा का रन टाइम होता है, तो मुझे इसके ऊपर एक रन टाइम भी दे दो, वो कुछ भी दे दो मुझे, नोड जेएस दे दो, जावा दे दो, जो भी मुझे चाहिए सब मिल जाते हैं, सारे के सारे मिल जाते हैं, ठीक है। इसको जब आप प्रोविजन करते हो तो इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, क्योंकि अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है, इस पे आप अपना कोड रन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब मैंने कहा यार मुझे ना ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए मुझे कोड नहीं लिखना है, मुझे चलता फिरता सॉफ्टवेयर चाहिए इसके लिए, और मुझे वो सॉफ्टवेयर अपने पास सर्वर पे इंस्टॉल भी नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मुझे सर्वर भी दे दो, मुझे उसके ऊपर का कोड भी दे दो, मुझे बस एक सॉफ्टवेयर यूज करना है। तो जब आप बोलते हो ऐसा, तो आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि यार मुझे ये वाला जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करके दे दो, है ना। और जब आप ये मांगते हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो जब आप सुनते हो SaaS जो भी सुनते हो वो ये होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपने, जब आपका क्लाइंट आपसे मांगने आएगा तो आप उसको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दे दोगे, यानी आप कहोगे ये लो यूजर नेम पासवर्ड, लॉग इन कर लो, यूज करना शुरू कर दो। तो क्विकली इनके एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमने क्या देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इसके क्या एग्जांपल्स मिलते हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे EC2 है अमेज़न का, उसी तरह आपके पास GCP में भी हैं, AWS में और भी चीजें हैं, Azure में भी काफी सारी चीजें हैं। तो जो जहां पर आपको हार्डवेयर यानी कि CPU RAM SSD विद OS मिल जाता है आराम। उसके बाद देखते हैं कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, PaaS, ये आपको एज अ प्रोग्रामर बहुत यूज करने मिलते हैं, जैसे कि आपका Heroku हो गया, है ना, Heroku पे आप ऐप डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेते हो, इसी तरह Beanstalk हो गया, Beanstalk Amazon का है, Azure का एक ऐप सर्विस है जिसमें आप हर
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का 5 या 6 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्टेड है, आप उनके ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। यही ऐप सर्विस ही मैं यूज करता हूँ Node.js के मेरे ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए। ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। इसी तरह गूगल का गूगल ऐप इंजन है, तो उसको आप गूगल ऐप इंजन है, तो ये जो है ये PaaS यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के एग्जाम्पल है। और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी कि SaaS के तो बतेरे एग्जाम्पल्स है ना, आपको भी पता होगा, जैसे कि Dropbox हो गया। Dropbox बिल्कुल ही SaaS है। देखो वो हार्ड डिस्क, वो आपको हार्डवेयर भी दे रहा है, एक सॉफ्टवेयर भी दे रहा है जिससे आप अपना स्टोरेज मैनेज कर सकते हो, और लेकिन सब कुछ पूरा का पूरा क्लाउड में है। उसी तरह जी सूट हो गया, जी सूट के अंदर तो कितनी सारी चीजें आ जाती हैं, जीमेल है आपका, कैलेंडर है आपका, स्लैक है, स्लैक जो है वो पूरा का पूरा एक SaaS है। तो ये जितने इस तरह के सॉफ्टवेयर आज के टाइम पे तो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर जो एंटरप्राइज यूज कर रहा है वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर SaaS है। और क्योंकि वो सॉफ्टवेयर क्लाउड पे है, उसको शुरू करना बहुत ईजी था और उसको स्केल करना भी उतना ईजी था। ऐसा नहीं था कि अरे यूजर्स आ गए तो जाओ जल्दी भागो, सर्वर खरीदो, जल्दी रैक लगाओ, AC खरीदो, जगह लाओ, नहीं, कोई मेहनत नहीं थी। जैसे ही ज्यादा लोग आए वैसे ही इन लोगों ने कहा Amazon को कि ऐसा करो यार, थोड़े मुझे 200 सर्वर और लगा दो। और Azure ने बोला ठीक है 200 सर्वर और लगा देते हैं, 500 सर्वर और लगा देते हैं। तो ऑन डिमांड स्केल हो जाता है क्लाउड में, वो सबसे मजेदार बात है, तभी ये सारे सॉफ्टवेयर और ये सारे पीसेस हम यूज कर पा रहे हैं। मजा आया, कुछ नया सीखा, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, YouTube को बता दो कि तुम्हें पसंद आया है, ताकि अगला वीडियो तुम गलती से भी मिस ना कर दो।